हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन के बारे में। और दोस्तों, अगर आप इस मैच में ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं या ग्रैंड लीग टीम बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है इस मैच से रिलेटेड पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विनिंग रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड और टॉप डिसमिसल। और अगर आप विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के गेम्स में या इस ओवल एडिलेबेड जो कि फिलहाल ग्राउंड है, इसमें किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस है। फर्स्ट इनिंग बढ़िया है कि ये जब चेज करते तब बढ़िया है, यानी कि हर प्लेयर का आपका एनालिसिस मिल जाएगा और फिलहाल बहुत कुछ और मेरी खुद की जो ग्रैंड लीग टीम होगी इस वीडियोस में मिलेगी। एंड अगर आप कहीं पर भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि 10-15 मिनट अगर आप उसके थ्रू कहीं पर उसके रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पैसा जो है बिल्कुल वसूल हो जाएगा और आप बढ़िया कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए फिलहाल जान लेते हैं और फुल एनालिसिस आपको इस वीडियोस में मिल जाएगी, सारे प्लेयर्स की, स्टेडियम की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, सब कुछ। दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेते, क्योंकि यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम इस प्रकार से सर्च कर लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाएगा। एंड कंफर्म कैसे करेंगे, फिलहाल मेरा टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल रियल है, यानी कि ऑफिशियली है, तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे। एंड दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। एंड रियल इलेवन और ड्रीम इलेवन विजन डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लो कंपटीशन में खेलना चाहते हैं तो आप रियल को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लो कंपटीशन होते हैं यहाँ पे और आप आसानी से यहाँ पे विन कर सकते हैं। तो अब आपको वीडियोस कम्प्लीटली देख लेना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियोस के अंदर ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बता दूंगा। एंड अब बात करते हैं फिलहाल मैच डिटेल्स की। तो जो मैच है आईसीसी मैच वर्ल्ड कप 2022 का 35वां मैच होगा सुपर 12 का, ग्रुप 2 का। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस, फिलहाल ये मैच स्टार्ट कब होगा, तो ये मैच जो कि 2 नवंबर 1:30 दोपहर में होगा, ठीक है। पिच रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, एडिलेड ओवल एडिलेड में जो ये मैच होने वाला है, और ये पिच जो कि पूरी तरीके से बैटिंग पिच होने वाला है, पेस बॉलर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देगा यहाँ पे ये पिच। बट जो कि अगर हम फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि कम से कम यहाँ पे 170-180 तक तो रन बनने वाले हैं, और ये टीम पे भी डिपेंड करता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश लास्ट 3 ईयर्स में, फिलहाल टोटल जो अभी बात करते हैं, टोटल मैचेस 3 मैचेस खेले, जिसमें इंडिया ने 2 मैच विन करे हैं और बांग्लादेश ने 1 विन किया। तो मतलब अगर 3 मैचेस के कॉम्बिनेशन से देखते हैं, तो फिलहाल यार इंडिया काफी बेस्ट है बांग्लादेश के गेम्स में। एंड उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लेटेस्ट न्यूज ऑफ इंडिया टीम का देखें, तो लास्ट के 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें 2 विन है और 1 लॉस है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर किस बैट्समैन, किस बॉलर्स को हेल्प मिली है 3 मैचेस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी तक फिलहाल आपने देखा है कि बैटिंग पिच में ये मैच नहीं हुए, तीनों के तीनों बैलेंसड पिच में हुए। तो फिलहाल देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं विराट कोहली 156 3 मैचेस में, सूर्य कुमार यादव 134 रन, रोहित शर्मा 72 रन, हार्दिक पांड्या 42 रन। टॉप 4 विकेट टेकर जो कि इंडिया टीम के थे, हरदीप सिंह 7 विकेट 3 मैच में, हार्दिक पांड्या 4 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट, मोहम्मद शमी 3 विकेट। ये जो कि मतलब टॉप प्लेयर्स हैं जो अभी तक फिलहाल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाए इंडिया टीम से। और लेटेस्ट न्यूज ऑफ बांग्लादेश, तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे 3 मैच बांग्लादेश ने खेला है जिसमें 2 विन है 1 लॉस है, रिसेंटली आप देख रहे हैं। साकिब अल हसन कैप्टन है टीम के। एंड उसके बाद यहाँ पे नजमुल हुसैन सेंटो 105 रन 3 मैच में है, आफिफ हुसैन 68 रन है, लिटन दोस्त 57 रन है, साकिब अल हसन 31 रन। मतलब अगर आप बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो बहुत कमजोर है यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नजमुल हुसैन सेंटो ने ही शतक लगाया 3 मैचेस में। टॉप 4 विकेट टेकर्स भाई, बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे भी मजबूत है, तस्कीम अहमद आप देख रहे हैं 3 मैचेस में 8 विकेट लेकर के जा रहे हैं, हसन महमूद 3 विकेट लेकर जा रहे हैं 3 मैच में, साकिब अल हसन 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट लेकर के जा रहे हैं। तो ये गाइस जो कि फिलहाल आप देख सकते हैं बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे बांग्लादेश का भी मजबूत है, बट बैटिंग लाइनअप जो कि इंडिया के गेम्स में कमजोर है, इंडिया के खिलाफ अगर देखते हुए हम कंपेयर करें तो। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के प्रबल प्लेइंग के बारे में, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज को जो कि लाइक करते हैं, वीडियोज का लाइक हम 20 रखते हैं, और 2-3 वीडियोज में काफी मजा आया, आप लोगों का सपोर्ट मिला, तो इसी प्रकार से आप सपोर्ट बनाए रहेंगे तो और भी अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इंडिया टीम से जो कि केएल राहुल, रोहित शर्मा ये ओपन करने वाले हैं, अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो केएल राहुल ने 3 मैचेस खेले बिल्कुल पूरे तरीके से फ्लॉप हैं। बट अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं तो 99 रन बनाए हैं 5 मैचेस में बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 33 का एवरेज रहता है, मतलब एवरेज इस हिसाब से भी ठीक नहीं है। अगर आप साउथ अफ्रीका के रिसेंटली वाले मैचेस देखें तो भाई 60 का एवरेज था, बट क्या था, बिल्कुल फ्लॉप हुए, ठीक है। तो केएल राहुल बिल्कुल फ्लॉप ही जा रहे हैं, बट जिस मैच में भी बंदा मारेगा तो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा,
जिसमें आपको अफसोस भी हो जाएगा कि यार काश हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते। तो फिलहाल एक टीम में आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, केएल राहुल को आप अपनी टीम में जरूर रखें, ड्रॉप मत करें, कभी भी ये बंदा मार सकता है, और एक टीम में ड्रॉप भी कर सकते हैं ऐसा करें। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, केएल राहुल को कब रखना है, फर्स्ट इनिंग में 37 की ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 38, तो दोनों में बढ़िया करते हैं, दोनों तरफ से आप रख सकते हैं। बट जहां तक केएल राहुल का चेसिंग खराब होता है, बट फर्स्ट इनिंग में बढ़िया रहता है। रोहित शर्मा देखते हैं तो 3 मैचेस में 72 बना के आ रहे हैं, बट यहाँ पे 11 मैच खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 452 रन 41 की एवरेज है, तो भाई रोहित शर्मा को भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इनिंग में 36 की ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग 26, तो फर्स्ट इनिंग में एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रोहित शर्मा रहने वाले टीम में रखने के लिए। और बैटिंग पीछे तो खास करके यार केएल राहुल और जो कि आप मतलब रोहित शर्मा को जरूर रखें, ठीक है। एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ भी जा सकते हैं, मेरी बात आप मान लीजिए, ठीक है। विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो 3-4 मैचेस खेले हैं जो कि बांग्लादेश के गेम्स में 129 रन बनाए, 64 का एवरेज है, तो भाई ये बंदा यहाँ पे भी बढ़िया कर रहा है विराट कोहली। और बैटिंग पिच है तो एक होप है कि उम्मीद आप लगा लीजिए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का। और फर्स्ट इनिंग में 43 की एवरेज से बैटिंग करते हैं और सेकंड इनिंग में 73 की एवरेज से, तो विराट सर का अलग ही लेवल चल रहा है भाई सेकंड इनिंग में, तो आप इतना हाईएस्ट स्कोर नहीं देख सकते, इतना हाईएस्ट एवरेज नहीं देख सकते। तो फिलहाल सेकंड इनिंग चेसिंग अगर होता है तो भाई विराट कोहली को आप कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है। और टीम में तो रखना है। सूर्य कुमार यादव अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल हेड टू हेड एक भी मैच नहीं खेले, वेन्यू अगर देखते तो एक भी मैच नहीं खेले। और एक चीज मैं ये भी क्लियर करता हूँ दोस्तों कि अगर जहां पे टॉप ऑर्डर बैटिंग चलती है इंडिया की तो फिलहाल वहां पे सूर्य कुमार यादव फ्लॉप होते हैं, और खास करके जहां पे एक्सेप्टेबल करते हैं कि यार नहीं यहाँ पे चलना चाहिए तो वहां पे भी तो और खराब परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव का हो जाता है, बट सभी की टीम में होने वाले हैं ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए 4 बैट्समैन आप रख लीजिए, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल। आप सूर्य कुमार यादव को भी पिक करिए क्योंकि आप रिसेंटली देख रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में 36 की ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 48 के, मतलब फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा डाउट रहेगा, 20 इनिंग में आप कंफर्म ट्राई करिए सूर्य कुमार यादव को। एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक हेड टू हेड में 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 46 रन बनाए हैं जिसमें 23 का एवरेज है और 3 इनिंग में 3 विकेट भी लेकर के जा रहे हैं, तो यार मतलब बढ़िया पिक रहेगा हार्दिक पांड्या, तो आप अपनी टीम इनको रख लीजिए। और 26 की ओवर से फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं और 20 इनिंग की हम बात करते हैं 21 की ओवर से, और फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 24 इनिंग में बॉलिंग करके 26 विकेट लिए, 20 इनिंग में 42 मतलब फर्स्ट इनिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या की काफी बढ़िया रहती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट इनिंग में ये बैटिंग इंडिया टीम बैटिंग करती है ये तो फिलहाल आप ड्रॉप कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को, या कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क मत लीजिए। और 20 इनिंग इंडिया टीम बैटिंग करती है तो यार चेसिंग थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, फिलहाल रख ही लीजिए क्योंकि स्पेल को ओवर भी मिलने और बैटिंग भी करना है, ठीक है। तो जब तक दीपक हुड्डा अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं रिसेंटली एक मैच में 1 रन, तो फिलहाल ड्रॉप कर दीजिए, हेड टू हेड भी मैच इन्होंने नहीं खेला है। और बैटिंग पीछे तो यहाँ तक बैटिंग आएगी ही नहीं, दिनेश कार्तिक को भी आप ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि बैटिंग यहाँ तक नहीं आएगी। रविचंद्र सिंह की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट है, बट यार बैटिंग पीछे तो होप है कि आप एक टीम में ट्राई भी कर सकते हैं क्योंकि यार बढ़िया मतलब लेजेंड प्लेयर है और जहाँ तक मुझे लग रहा है विकेट मिलेंगी इस मैच में। एंड एक टीम में आप ट्राई करिए, बट जिस टीम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक मैच इन्होंने हेड टू हेड में खेला है जो कि 1 विकेट अभी है, एंड फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 33 इनिंग बॉलिंग कर 35 विकेट है, 20 इनिंग में 48 में 53, मतलब दोनों में बढ़िया पेस है, तो मतलब रख लीजिए आप अपने टीम में इनको। एंड अर्शदीप सिंह की बात करते हैं तो फिलहाल हेड टू हेड एक भी मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी एक मैच नहीं खेला। एंड अगर बात करते हैं 3 मैचेस 7 विकेट रिसेंटली वाले परफॉर्मेंस को देखते हुए तो फिलहाल टीम में आप रख भी सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 4 में 9 विकेट है 4 मैचेस में, 20 इनिंग में अगर हम बात करते हैं 12 में 17 विकेट है, तो मतलब देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बढ़िया भाई परफॉर्मेंस करके बंदा दे रहा है, तो इस मैच में रख लीजिए। बट कैप्टन वाइस कैप्टन का यार चलिए रख भी सकते हैं क्योंकि यार बैटिंग लाइनअप जो है बांग्लादेश का वो कमजोर है, उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी हर्षदीप सिंह को ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो एक मैच में 1 विकेट है, तो चाहे तो आप भुवनेश्वर कुमार को रखिए या तो मोहम्मद शमी, क्योंकि यार बैटिंग पीछे तो आप मेरे हिसाब से भुवनेश्वर को ड्रॉप करके मोहम्मद शमी को रख लीजिए क्योंकि 3 मैच है यार, एक भी मैच खाली नहीं गया, 1 विकेट जरूर मिल रही बंदे को, तो यार आप मोहम्मद शमी सर को जरूर रख लीजिए अपने टीम में, ठीक है। एंड उसके बाद आप बेंच प्लेयर हर्षद पटेल, यजुवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल ये मिलेंगे आपको, परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। बाकी प्लेइंग 11 यही रहने वाले जो कि मैंने बताया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के प्लेइंग 11 के बारे में जो कि देख रहे हैं नजमुल सैंटो और सौम्या सरकार ये ओपन कर रहे हैं। एंड नजमुल सैंटो का अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं लास्ट वाले मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिला है जिसमें 71 रन बनाए थे और मेरी टीम में मौजूद भी थे। हेड टू हेड में एक भी मैच इन्होंने नहीं खेला, ना ही वेन्यू पे मैच खेला इन्होंने, और जहां तक मुझे लग रहा है कि वेन्यू पे यार एक भी मैच इन दोनों टीमों का नहीं हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में ये 25 की ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 17 का, तो फर्स्ट इनिंग नजमुल सैंटो को आप टीम में रख सकते हैं। और 20 इनिंग यहाँ पे अगर बांग्लादेश चेज करती है तो फिलहाल आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको, ठीक है। सौम्य सरकार अगर बात करते हैं तो ये बैट्समैन भी है, पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं, एंड 3 मैचेस जो कि इन्होंने रिसेंटली 29 रन है और विकेट जो कि अगर आप देखते हैं तो विकेट भी इनको मिली थी, ठीक है। एंड हेड टू हेड मैचेस की अगर हम बात करते हैं तो 9 मैचेस में 131 रन है, 14 की वजह से कुछ खास नहीं कर सकते, 4 इनिंग में
तीन विकेट भी हैं जो कि सौम्य सरकार का, तो मतलब एक हिसाब से टाइम स्पिनिंग खेलते हैं। अगर आप टीम में रखना चाहते हैं तो कब रखना है आपको, फर्स्ट इनिंग में 15 के ओवर से बैटिंग करते हैं एंड दोस्तों अगर हम दोस्ती दूसरी इनिंग की बात करते हैं तो 19 के, तो एक मौका रहेगा कि आप दूसरी इनिंग में ट्राई इनको कर सकते हैं क्योंकि 9 इनिंग में 4 विकेट भी लेकर के जा रहे हैं, फर्स्ट इनिंग अगर बात करें 15 में 7 विकेट है, तो मतलब 20 इनिंग में अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं रखने के लिए। बाकी अभी फिलहाल के लिए आप टॉप इनको कर सकते हैं, ठीक है। लिटिल अंदर से क्रम बात करते हैं, विकेट के सेक्शन से मिलने वाले हैं एंड इनको तो कंफर्म रखना पड़ेगा क्योंकि हमने धीरे से को भी ड्रॉप कर दिया। एंड हिट और डिकॉर्स अगर हम देखते हैं 16 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है, बट यार कैचेस वगैरह मिल जाएगी तो जिससे कि आपको पता है कि टाइम स्पिनिंग बंदा खेल भी रहा है क्योंकि लास्ट के 3 मैचेस की बात करते हैं यहाँ पर 9 और 34 14 है, ठीक है। तो मतलब एक हिसाब से आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे देगा बंदा अगर आप टीम में रखते हैं। फर्स्ट इनिंग में 24 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 18, तो फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। 20 इनिंग की बात करते हैं तो यार दिनेश कार्तिक को भी रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ज्यादा तो जिसको रख के जा रहे हैं तो वो सेकंड इनिंग अगर जिसको नहीं रख के जा रहे हैं तो यार वो कभी कभी कैचेस वगैरह ले लेता है विकेट के सेक्शन से जिसको बैटिंग नहीं मिलनी है, मतलब कैच ले लेता है तो फिलहाल पॉइंट्स काफी अच्छे बन जाते हैं, तो वो भी आप कर लीजिए एक टीम में। साकिब अल हसन की अगर हम बात करते हैं तो टीम के कैप्टन हैं, और अगर हम हेटवेट मैचेस की बात करते हैं 6 मैचेस खेलने जैसे 62 रन है, 10 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है, और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं, मतलब बिल्कुल ही फ्लॉप, 6 मैचेस में 4 विकेट हैं और स्पिन फ्रेंडली पिच भी नहीं है और बैटिंग पिच है। तो अब अगर आप रिसेंटली 3 मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 रन 2 विकेट 23 रन 0 29 रन, ये जो इनका परफॉर्मेंस है रिसेंटली वाला, तो टीम में रखना चाहें रख सकते हैं क्योंकि स्पेस है इनके पास, स्पेल के ओवर भी कराएंगे और बैटिंग भी करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट दे देंगे, तो आप साकिब अल हसन को रख लीजिए। फर्स्ट इनिंग में अगर देखते हैं 24 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग हम बात करते हैं तो 22 के, तो मतलब दोनों तरफ से आपको पेस रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस करके दे भी सकते हैं, तो आप अपने टीम में जरूर रखें इनको। आप इस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो फिलहाल यहाँ पे ये भी पार्ट टाइम बॉलर के हिसाब से स्पिन बॉलर भी है और ओवर भी करा देते हैं स्पिन के। 3 मैचेस हेटवेट में खेले हैं जिसमें 6 रन है और 3 का एवरेज है, हेटवेट बॉलिंग में 3 में 1 विकेट भी है, तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, नहीं तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं इसमें से बिल्कुल बिना सोचे और समझे, ठीक है दोस्तों। यासिर अली चौधरी अगर हम बात करते हैं, फिलहाल हेटवेट में 1 मैच नहीं खेला ना ही वेन्यू पे, बिल्कुल फ्लॉप है ये, और उम्मीद इनसे अगर आप करना चाहें तो कब करेंगे तो सेकंड इनिंग कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग में 48 के एवरेज से जो कि बैटिंग करते हैं, फर्स्ट इनिंग में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहता है 9 के एवरेज से, तो यासिर अली चौधरी को आप दूसरे इनिंग में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। मुसद्दिक हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल एक अच्छे टॉप क्लास स्पिनर बॉलर्स हैं, बट रिसेंटली 3 मैचेस में 2 विकेट हैं और ये जो बैटिंग पिच पे है और खास करके स्पिन फ्रेंडली है भी नहीं, तो यार आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और नूरुल हसन विकेट के सेक्शन की बात करते हैं तो हिटर बैट्समैन है, बट 3 मैचेस में आपने देखा बैटिंग कुछ खास मिल नहीं पा रही है, 10 का एवरेज है और इस मैच में जहां तक मिल सकती है नूरुल हसन को, तो आप नूरुल हसन को एक मैच में विकेट के सेक्शन से ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा जो कि खुद का प्रेडिक्शन रहेगा। और एवरेज की अगर बात करते हैं, फर्स्ट में 14 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 में 19 की, बट हिटर बैट्समैन है, रन मार सकते हैं 10-15 गेंद में, काफ़ी अच्छा फिनिशर है बांग्लादेश का, उस हिसाब से उम्मीद है कि मार भी सकते हैं। तस्कीन अहमद की अगर बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे हेटवेट में 3 मैचेस में 2 विकेट है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, जिस हिसाब से ताबड़तोड़ बॉलिंग करके आ रहे हैं, 3 मैचेस में 8 विकेट लेकर के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर इंडिया के अगेंस्ट में देखते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा हम नहीं कह सकते, और हम 4 बैट्समैन को रख करके जा रहे हैं टॉप ऑर्डर के, तो फिलहाल ऑलराउंडर को लेकर के 5 बैट्समैन इंडिया टीम के, तो फिलहाल हम इनको देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है, बट अगर हम रखना चाहें या नहीं रखना ये मैं आपको बता दूं। देखिए ना ही हसन महमूद ने हेटवेट में मैच खेला है, मुस्तफिजुर रहमान ने खेला है, तो परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो हेट में 8 मैचेस में 4 विकेट, बॉलिंग नहीं मिल रही इनको, मतलब विकेट नहीं मिल रही, तो मुस्तफिजुर को आप ड्रॉप करिए, तस्कीम को आप ट्राई कर लीजिए, एंड उसके बाद हसन महमूद को भी आप रख सकते हैं, जिस सबसे बढ़िया पेस बॉलर्स हैं, मीडियम बॉलर्स हैं, तो उस हिसाब से 3 मैचेस 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट है 5 इनिंग में, 20 इनिंग में बात करते हैं 4 में 5 विकेट, मतलब परफॉर्मेंस ठीक है हसन महमूद का, तो यार आप अपने टीम में हसन महमूद तस्कीम को ट्राई कर लीजिए दोस्तों। बेस्ट प्लेयर की अगर बात करते हैं तो ये रहेंगे, देखिए मेहंदी हसन मिराज, नसूम अहमद, सौरफुल इस्लाम। अगर हम बात करते हैं टॉप पिक हिट वेट रिकॉर्ड्स, तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों देखेंगे केएल राहुल 33 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट में, रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 64, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो कि हेट वेट रिकॉर्ड देखते हुए। और इस ग्राउंड पर सिर्फ 2 ही प्लेयर जो कि परफॉर्मेंस करे हैं, जो रोहित शर्मा विराट कोहली जो कि ओवल में बैटिंग करी है, ठीक है, 1 मैच खेला जो कि जिसमें 31 का एवरेज रोहित शर्मा का इस ग्राउंड पर रहता है। और अगर बात करते हैं विराट कोहली का तो 90 का, विराट कोहली ने 90 रन 1 मैच में यहाँ पे लगाए थे, तो आप मतलब भाई समझ सकते हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती है, तो यार आप विराट कोहली को कैप्टन कर लीजिए इस मैच में बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फिलहाल हेड टू हेड में भी बढ़िया कर रहे हैं, 64 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, और विराट कोहली अगर यहाँ पे ग्राउंड पे देख रहे हैं तो भाई 90 रन बना करके जा रहे हैं 1 मैच में, तो मतलब आप समझ सकते हैं ये मरे पिक रहेंगे कैप्टन के। और उसके बाद टॉप वेन्यू एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा यही दोनों बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। और दोस्तों अगर हम बात करें मेरी टीम क्या होगी, ये आपने परफॉर्मेंस देखा है
और वो जान लेते टीम मेरे की क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या कहा था विकेट डिस्कशन से कि लिटन दास को सभी रखने वाले, टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा है इसलिए दिनेश कार्तिक नूरसन को कोई नहीं रखने वाला, तो एक टीम में आप लिटन दास को भी ड्रॉप कर सकते हो, परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं भाई, ठीक है आपने देखा है उसमें दिनेश कार्तिक नूरसन को ट्राई कर सकते क्योंकि यहाँ पे तक बैटिंग भी आ सकती है और कभी कभी आपने देखा भी हो कि सभी लोग यहाँ पे रखते हैं इसको ड्रॉप करके जो फर्स्ट रैंक पे आ जाए तो इसको रखा रहता वो, ठीक है तो ऐसा कर लीजिए आप। एंड बैटिंग सेक्शन में जो कि हमने सिलेक्शन बताया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विराट कोहली को मैंने कहा था रख लीजिए, सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा केएल राहुल कुछ 37% लोगों ने रखा है, बढ़िया हेड टू हेड बढ़िया परफॉर्मेंस करने और मारेगा बंदा हो सकता है तो फिलहाल अपने टीम में रख लीजिए। एंड यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपके पोजीशन को आप ड्रॉप करके सौम्य सरकार को रख सकते हैं जो कि आपको दोनों तरफ से स्पेस देकर के ज़्यादा बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है, मतलब उसी हिसाब से आपके पोजीशन में, तो एक को आप ट्राई करें किसको आप नजमुल हुसैन सेंटो को भी रख सकते हैं बट परफॉर्मेंस ठीक नहीं बट चेसिंग में बढ़िया रहता है नजमुल हुसैन सेंटो का, तो फिलहाल चलिए आप सेंटो को रख लीजिए ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या को आप रख सकते हैं क्योंकि एक स्पेस है इनके पास। बॉलिंग से अगर हम बात करते हैं तस्कीम और मैंने हसन महमूद को दोनों को बताया, हरदीप सिंह को भी बताया, मोहम्मद शमी को भी बताया दोस्तों ठीक है आपने देखा, बट ये बैटिंग जिस हिसाब से पिच है तो हमने यहाँ पे जिस हिसाब से बैट्समैन रखे हैं आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए हरदीप सिंह अभी बढ़िया परफॉर्मेंस करके भी आ रहे हैं आपने देखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे तस्कीम में मतलब आप देख रहे हैं 3 में 8 विकेट यार मायने रखती हैं और हसन महमूद 3 में 3 विकेट, बट हसन महमूद को अगर देखते हैं तो फिलहाल परफॉर्मेंस ठीक नजर आ रहा है बट तस्कीम महमूद का हेड टू हेड में बिल्कुल खराब परफॉर्म है ठीक है, मतलब इंडियन क्रिकेट में कुछ अच्छे विकेट नहीं मिले, तो आप हसन महमूद को रख लीजिए। एंड यहाँ पे मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर कुमार किसको आप रखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यार मोहम्मद शमी एक लीजेंड प्लेयर्स हैं 3 में से 3 विकेट लेकर के आ रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी कुछ कम नहीं है अच्छी खासी विकेट लेकर के आ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन आप कर लीजिए। जहाँ तक मेरे लिए ठीक रहेगा तो भाई भुवनेश्वर कुमार क्यों, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर पे स्पेल के लेकर के आएंगे पावर प्ले के और उस हिसाब से देखेंगे तो आप मतलब कुछ टॉप ऑर्डर के बांग्लादेश के लाइनअप मजबूत नहीं है तो उस हिसाब से मतलब कुछ कंफर्म कह भी नहीं सकते। बाकी यहाँ पे 2 बल्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं, तस्कीम अहमद को याद रख लेंगे या तो कुछ चेंजमेंट तो जरूर होगा, मैं इतना जानता हूँ बॉलिंग सेक्शन में बांग्लादेश के चेंजमेंट होगा तो मैं आपको क्लियर करूँगा, बाकी चलिए कोई ना आप ये रखिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है हसन महमूद ही 1-2 विकेट निकालेगा, साकिब रसन लेगा, बस यही होगा, बाकी बैटिंग लाइनअप यहाँ पे हमारी ये होने वाली है। अब कैप्टन के बाद क्या मैंने विराट कोहली को बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं यहाँ पे, तो आप रोहित शर्मा या केएल राहुल को ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग पीछे तो यार दोस्तों विराट कोहली और केएल राहुल जहाँ तक या रोहित शर्मा इन दोनों को आप जरूर ट्राई करके जाएं इस मैच में। सूर्य कुमार यादव अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं देखा आपने किस हिसाब से है वो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया, तो ये टीम से आप जा सकते हैं मेरी ठीक है दोस्तों, ये टीम मेरी रहेगी, बाकी 5 टीम मैं क्लियर करता हूँ कि 5 टीम आपको प्रोवाइड करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मैंने बता ही दिया। होप गाइस वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, जिस प्रकार से मैंने प्रेडिक्शन और एनालिसिस बताई है उस हिसाब से भी आप टीम बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।